चैप्टर सिक्स में क्या है, सिंपल चीजें हैं, तो आपने पहले बड़ी दफा पढ़ी हुई। हम लोगों ने अब हम डिफाइन डिमांड फंक्शन, अब डिमांड फंक्शन हम किस लिए यूज कर रहे हैं, डिमांड फंक्शन जो है हम ऑप्टिमम वैल्यूज जो है गुड्स की उसको ऑब्टेन करने के लिए यूज कर रहे हैं। इसे डिमांड फंक्शन क्या है, दैट रिलेट्स प्राइसेस, दैट रिलेट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब हम थोड़ा सा जाएंगे चेंज की तरफ, हम अब चेंजेस को डिफाइन करें। हम कहेंगे चेंज जब होती है तो क्या होता है, चेंज दो ही सूरतों में, प्राइस में हो सकती है, इनकम में हो सकती है। आप देखिए जब लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज डिमांड, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड जो है अच्छा बच्चों इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपके लिए, किसी के लिए बच्चे कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, इसको मैं हम जो कहते हैं एक्स वन है ये फंक्शन, मैं दोबारा एक्स वन क्यों लिख रहा हूं, हम लोग मैथमेटिकल नोटेशन जब लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में तो मैं यूटिलिटी को अगर लिखता हूँ, यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ, तो मैं आगे भी यू लिखूंगा, ये ज्यादा जी लिख लूंगा, एच लिखूंगा, कोई भी सिंबल यूज किया जा सकता है। तो यहां मैं लिखूंगा पी वन फॉर प्राइस ऑफ गुड वन, प्राइस ऑफ गुड टू एंड एफ। अब चेंज इसमें कब आ सकती है, इसमें चेंज आ सकती है अगर पी वन चेंज हो, अच्छा जब पी वन चेंज होगा तो पी टू कॉन्स्टेंट होगा, अच्छा यहाँ टाइम चेंज होगा, ठीक है, तीनों सूरतों में क्या आएगी इसमें चेंज आएगी। अब हम इनकी चेंजेस की पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं, चेंजेस क्या पढ़ते हैं पॉसिबिलिटी, उनको डिफाइन कर लेते हैं, जो आप लोगों को आपने बहुत ज्यादा सुना, पहले उसने बताई जो बुक वाइज ही हम चलते हैं उसी पैटर्न के साथ ताकि आसानी रहे। हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल गुड्स, हम पढ़ते हैं नॉर्मल गुड्स, और इसके साथ आपने एक और वर्ड पढ़ा है कौन सी, इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या है, एनी आइडिया, डिमांड के बढ़ने से उनकी कंजम्पशन ज्यादा हो, पहले तो बात हमने डिफाइन करना है कुछ गुड्स, हां गुड्स को हमने किसके रिलेशन के मुताबिक जो है उसे चेंज करना, इनकम की बात, हम कहते हैं इनकम बढ़ती है तो गुड्स पे क्या इफेक्ट करता है, अगर इनकम के बढ़ने से किसी चीज की डिमांड बढ़े तो दैट इज द, अगर इनकम के बढ़ने से किसी की डिमांड कम हो तो दैट इज इन्फ्लेशन। ठीक है, पहले दोबारा रिपीट करता हूँ, नॉर्मल गुड क्या है, डिमांड ऑफ गुड इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, ऑल अदर थिंग्स आर कॉन्स्टेंट, डिमांड और कंजप्शन ऑफ अ गुड डिक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस, All other things are constant. These goods are normal goods. Inferior क्या होगा? Opposite होगा. Consumption decreases when income increases. ठीक। तो ये क्या होगा? Inferior goods. अच्छा आपके ख्याल में बहुत सारी goods हैं जो normal goods हैं। जैसे आपकी chicken की commodity है, mutton की commodity है। अच्छा वैसे wheat जो है हमारे जो है वो गंदम जो है वो भी बढ़ती होगी इनकम के साथ, ठीक है, तो ये सारी नॉर्मल इंफीरियर गुड्स कौन सी, सीरियल्स की बात है, सीरियल्स की जी, मीन जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप बड़ी चीजें छोड़ देते हैं, आप मसलन कोई एग्जांपल दें, आप जैसे हम ब्रेड लेना शुरू कर देते हैं, ब्रेड ना, ब्रेड के एक चीज लेना शुरू कर देते हैं, देखिए वो तो लग्जरी में आएगी, वो हम आगे करेंगे, जो हम गुड्स की बात करते थे रोजमर्रा की चीजें और हम लोग उसे काम छोड़ देते हैं सर, वो तो चीजें छोड़ के जैसे हम किसी कंपनी की चीजें स्टार्ट कर देते हैं, चिकन की जगह मटन ले लेंगे, ये हो सकता है, चिकन की जगह आप क्या करते हैं मटन ले लेते हैं, आप लोगों को देखिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बहुत सारी चीजें हैं
जो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि क्वालिटी जो है वो क्या होती है, आप जो सिटीज एरियाज में है उसमें तो खैर कोई भी गुड ऐसी नहीं रही अब जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एक्सेस हो आजकल, जो क्योंकि जो नॉलेज है आप जैसे हम लोगों के टाइम में फ्लॉपी डिस्क थे, आपका डेस्कटॉप है ठीक है, अब प्राइसेस में इतना फर्क नहीं है डेस्कटॉप पे भी और लैपटॉप पे भी, अगर आप डेस्कटॉप अच्छी उसमें बड़ा अच्छा दिख, लेकिन आप लोग सारे जो हैं वो लैपटॉप को प्रेफर, आज से 5 साल पहले शायद ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अगर ज़्यादा नहीं आम नवाज शरीफ के टाइम से पहले, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ज़्यादा दिया लोगों को। तो इसी तरह आपकी फ्लॉपी डिस्क है, आपकी हार्ड ड्राइव्स हैं, इसके अलावा खाने पीने में अगर आप बात करें, हम लोग बहुत ज़्यादा रिप्लेस करते हैं, आप लोग अगर पिछले 15 सालों में देखें तो डाइटिंग पैटर्न जितना पाकिस्तान का चेंज हुआ शायद ही कहीं नहीं हो, जैसे अभी मटन की बात की बच्चा था, अभी आपके आप छोटे आप शायद आपकी जनरेशन हो जो मटन खाती हो, नहीं तो मटन कोई नहीं खाता, इसलिए नहीं कि उसकी कीमत ज़्यादा, बहुत सारे घरों में मसला है कि मटन को कोई पसंद ही नहीं लगता, बच्चियाँ खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा उनकी डाइटिंग पैटर्न चेंज हो गए ठीक। अच्छा इसके अलावा जब भी इनकम बढ़ेगी अब बहुत मुश्किल है कि फास्ट फूड की कंजप्शन ना बढ़े उस घर में, बहुत मुश्किल, वो लग्जरी आप डाले भी तो वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं आएगा, लेकिन क्या है कि डाइटरी पैटर्न कुछ टेस्ट डेवलप हो गया हमारा सारा, चिकन जो है वो बहुत तेजी के साथ क्या हो गया आप हमारी डाइट का पोर्शन, अब प्रोटीन का जो सबसे बड़ा सोर्स है किसी भी डाइट में, किसी भी ह्यूमन की डाइट में वो चिकन है, पहले मटन था पहले बीफ था, अब तो बीफ पता नहीं कोई खाता है कि नहीं खाता ठीक। तो हम लोगों ने नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स इसको थोड़ा सा मैथमेटिक के देख ना, मैं क्या कह रहा हूँ चेंज इन वन कॉमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इनकम शुड बी पॉजिटिव, शुड बी कैसे चेंज इन, अगर मैं x1 कहता हूं, x1 को मैं चेक कर रहा हूं, चेंज इन x1 ड्यू टू चेंज इन m ड्यू टू चेंज इन, ये क्या हो सकता है, ये जीरो के इक्वल हो सकता है, अब इसकी पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, ये क्या हो सकता है, ये मोर देन जीरो हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये लेस देन जीरो हो सकता है, जीरो से ज्यादा है तो पॉजिटिव है, जीरो से ज्यादा है तो इसका मतलब है ये बढ़ेगा, क्या होगा चेंज इन एक्स, क्या होगा ज्यादा होगा किससे, ठीक है तो फिर क्या होगा ये ग्रेटर होगा, तो हम कहेंगे दिस इज फॉर नॉर्मल, दिस इज फॉर ये माइनस में होगा तो इट इज फॉर इंफीरियर गुड्स, ये जो है ये इनडिफरेंट, इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इट ठीक है, ये तीनों केसेस। तो ज्यादातर हम जो इंफीरियर गुड्स है उसमें क्वालिटी को देखते हैं, लो क्वालिटी हम अच्छी क्वालिटी में चलते हैं, जैसे आप ड्रेसेस की बात करते हैं आप कोशिश करेंगे कपड़े वो नहीं तो अच्छी क्वालिटी, खाना को खाएं तो अच्छी क्वालिटी, हर चीज जो है वो बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं। अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं, नॉर्मल रूप का ग्राफ बनाना, ये बजट लाइन, ये बजट इनकम बढ़ेगी तो ये ऐसे ऊपर पड़ेगा, पैरेलल शिफ्ट हो जाए, पैरेलल शिफ्ट होगी तो हम इंडिफरेंस का जो है, अब मैं दोनों गुड्स को देख लेता हूं, एक्स टू एक्स वन, एक्स वन और एक्स, अब ये दोनों बढ़ गए, एक्स टू भी बढ़ गया और एक्स वन भी बढ़ गया, ये मैं इसको एक स्टार लगाता हूँ, इसको टू स्टार लगाता हूँ, इसको वन स्टार लगाता हूँ, इसको, अब दोनों गुड्स बढ़ गए, दोनों गुड्स क्या बढ़ गए, तो हम कह सकते हैं बोथ गुड्स आर
नॉर्मल सवाल है। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल, अच्छा मैं फिर कह रहा हूं देर आर ओनली टू गुड्स, देर आर ओनली टू गुड्स। अब मैं कहता हूं ये है लाइन, ये पहले डिफरेंस का यहां तक, पहले डिफरेंस का क्या था यहां, मेरा क्वालिटी या x2 की क्वालिटी ज्यादा है, x1 की कम है। जब मेरा बजट बढ़ा तो मैंने किस तरह जाऊंगा, पर आपकी जान में एक रैशनल आदमी किस तरह जाएगा, x2 मेरा डिफरेंस है मेरा, क्या है ना प्रेफरेंस शो कर रहा है डिफरेंस। अब देखिएगा मेरा x2 और x2 का ये तो इतना बढ़ गया, क्योंकि ये चेंज जो यहां से माइनस हुई वो कहां गई, माइनस हुई वहां चला, तो x2 जो होगा अच्छा। अब देखिएगा इनकम बढ़ने से x2 तो बढ़ गया, लेकिन x सॉरी x2 तो बढ़ गया, x1 जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, तो x2 जो है वो क्या होगा, x2 कितने होगा, x2 क्या होगा, x2 क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, होगा क्या, कौन सी रूट होगी, x को ज्यादा होगा तो क्या होगा, और x1 इंफीरियर। अब ये क्यों एक गुड जो है वो नॉर्मल होगा और दूसरा इंफीरियर, बिकॉज देयर आर ओनली टू गुड्स, हमारे पास ऑप्शन ही है, अगर एक पे नहीं लगाएगा तो किस पे शिफ्ट कर देगा, ठीक बच्चों।